ग्रीन ट्राइब्यूनल या उसके साथ जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह से। अब मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट से ना लेकर के उन्होंने एक और तीसरा रहा कि हम खुद परमिशन लेके देंगे सरकार से जो ग्रीन ट्राइब्यूनल या उसके साथ जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह से। अब मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट से ना लेकर के उन्होंने एक और तीसरा रास्ता निकाला। स्वामी जी, ये जो कहानी आप बता रहे हैं ये कोई नई नहीं है, ये पिछले 2-3 वर्षों से लगातार किस्तों में देश के अखबारों में टीवी चैनलों में अलग अलग रूप में देखने को मिली है और पढ़ने को मिली है। आपको नहीं लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सब शामिल है? इस तरह के साठगांठ को एक्सपोज करने में, इस तरह के जो साठगांठ में शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? नहीं, एक्सपोज करने में तो मुझे नहीं लगता सत्ता और विपक्ष की कोई खास दिलचस्पी है, क्योंकि दोनों इसमें पूरी साठगांठ जो आप कह रहे हैं उस तरह बना हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं तुम हमारा मत वो करो एक्सपोज, हम तुम्हारा न करें, इस तरह से मिल बांट करके खाते रहे। लेकिन जब एक्सपोज हो गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त सीईसी सेंट्रली एम्पावर्ड जो कमेटी है उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया कि वो उन्होंने उसमें याचिका डाली अपनी, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने सीईसी के भी देखो ये जमीन कैसी है देख करके बताओ, तो वो जमीन को जो फॉरेस्ट है उसको वो गैर फॉरेस्ट एरिया या इस तरीके से इसको यहां से हटा करके कंपेंसेटरी फॉरेस्टिंग कर सकते हैं बड़कल लेक के पास, डीएलएफ वाले इनको दे दी जाए। ये जो संस्तुति करना मैं समझता हूं यानी सरकार और इस माफिया गठजोड़ का सबसे एक नापाक गठजोड़ इसको कह सकते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट को एक उसमें रखा, अंधेरे में रखा। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे विश्वस्त व्यक्ति जिसके ऊपर जज आंख-मूंद के विश्वास करते हैं आपने उसको मैनिपुलेट किया अपने फेवर में। इसमें घटना याद आ रही है, इंदिरा जी का जमाना था जब, और संजय गांधी राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ रहा था धीरे धीरे, खासतौर से दखलंदाजी बढ़ रही थी शासन के कामकाज में। तो उस जमाने में भी तमाम मुख्यमंत्रियों ने संजय गांधी को खुश करने के लिए या इंदिरा जी को खुश करने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं शुरू कर दी थी अपने अपने राज्यों में जिससे कि जनता का तो भला नहीं हो रहा था लेकिन संजय गांधी और उनसे जुड़े हुए लोगों का भला हो रहा था। उस समय भी हरियाणा आपका आगे था और इस बार भी जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं आपका हरियाणा, राजस्थान, ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, चाहे लैंड यूज चेंज करने का मामला हो या लैंड एक्विजिशन का मामला हो या लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने का मामला हो, उसी तरह के कानून बनाए गए जिससे रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचे। अब आपको नहीं लग रहा है कि जब ये कानून बन रहा था उस समय विपक्ष क्यों चुप था, उस समय सरकार की बाकी एजेंसियां क्यों चुप थीं, और जब चुनाव का टाइम है तो फिर एक बार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, आपका कहना ठीक है कि ये ईमानदारी से मुद्दा बना करके उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाएंगे, ये उछाल उछाल करके बीच में से उसका छोटा सा दोहन कर लेंगे उसमें से राजनीतिक लाभ। लेकिन ईमानदार हों यदि विपक्ष के लोग भी तो ये बहुत सी चीजें निकलेंगी जो दूसरी पार्टियों का भी होगा इसके अंदर। तो ये जो है थोड़ा सा उछाल देना और फिर पीछे हट जाना, ये इस तरह की जो रणनीति है मैं समझता हूं ये बहुत गंदा कर रहा है, विश्वसनीयता खत्म हो रही है। यानी किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे भी और फिर पीछे हट जाएंगे, काले धन के बारे में भी ये करेंगे, जमीनों के सौदेबाजी के बारे में ये करेंगे, और जैसे राजस्थान में भी वो जिस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी रॉबर्ट वाड्रा को काफी कुछ वहां जमीनें दी गई। तो ये सारा का सारा एक दो बार उछालना और फिर चुप हो जाना, तो ये है एक ब्लैकमेलिंग का तरीका। तो कौन क्या तरीका है इस तरह के लोगों से निपटने का, लड़ने का, इस तरह के जो असामाजिक हम कहें कि तत्व हैं उनसे निजात पाने का या जनता को निजात दिलाने का, आपकी नजर में क्या माकूल तरीका है? देखिये, माकूल तरीका तो यही था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे हम लोगों ने एक लड़ाई शुरू की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से,
और हमें उम्मीद थी कि ये बहुत दूर तक जाएगा और केवल वो जन लोकपाल के सवाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन हर तरीके के भ्रष्टाचार को उठाते उठाते देश को एक ईमानदार समाज की तरफ ले जाएगा। तो वो था हमारा वो तरीका। अब वो बीच में ही जैसे एबॉर्शन हो गया उसकी भ्रूण हत्या हो गई। इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे, इस विषय को कि जो भ्रूण हत्या हुई उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। मेहनत कामयाबी दिलाती है और लक पहचान। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, खो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर। अपना ये मेला स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजादी के बाद देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं। सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं, तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं। पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी। अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के BSP को सफल बनाए। रिलैक्सो हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार, मां कसम मैं भी पहनता हूं। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है, कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा, इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ, किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। जल्दी जल्दी वो बंद हो जाएगा, जल्दी माँ, जल्दी प्लीज। लो, हो गया बंद। ल्यूमिनस जीलियो, एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। ल्यूमिनस जीलियो, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पांव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम।
समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दे। यू कूल? या आई एम कूल, इट्स कूल। कुछ ठीक होना हो पर हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल आपको दे कूल स्कैल्प और डैंड्रफ फ्री बालों का भरोसा, ताकि आपका हर अंदाज हो कूल। दैट इज कूल, हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। तो क्या सोचा आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेती बाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा, फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई थी, उस मुहिम के शुरुआती दौर में आप भी थे, अन्ना हजारे थे और भी तमाम लोग थे, लेकिन ज्यों ज्यों मुहिम आगे बढ़ी फिर उसमें ईगो क्लैशेज शुरू हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट के क्लैश शुरू हो गए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आपने कुछ दिन बाद ही उस मुहिम से अपने को अलग कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे आज जो उस मुहिम का हश्र हुआ वो देश की जनता के सामने है। इसके फेल्योर के लिए आप किसको सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं? देखिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये हमारा दफ्तर है 7 जंतर मंतर रोड के ऑफिस से, यहीं पर सारी मंत्रणाएं सारे विचार चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और फिर किरण बेदी जी आए, फिर जस्टिस संतोष हेगड़े और तमाम हम लोग जुड़ते जुड़ते, प्रशांत भूषण जी, उनके पिताश्री, सब लोग। तो कहने का मतलब कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें फिर सहयोग बड़े जोर जोर से मिला, बाबा रामदेव जी का, श्री श्री रविशंकर जी का, आर्च बिशप विंसेंट कंसेंसाओ का, सब लोगों को एक लगा कि भाई एक बहुत तेज बड़ी मुहिम बन सकती है, और सब लोग काफी ईमानदारी से साथ जुड़ के काम करना चाहते थे। अब जैसे जैसे वो आंदोलन सचमुच में व्यापक बनता चला गया तो उससे कुछ निकालने का विचार यदि किसी के मन में बना तो वो महत्वाकांक्षा जगी अरविंद केजरीवाल के मन में, और उन्होंने उस समय अन्ना हजारे को अपनी पूरी पकड़ में रख करके उन्होंने कोशिश की कि अब मैं किसी तरीके से ये शहीद हो जाएं इस आंदोलन में, तो मैं सीधे इनका उत्तराधिकारी बन करके आगे जो मैं आगे चलाऊं इसको। अन्ना हजारे को खुद भी जब समझ में आई तब उन्होंने अपनी जान बचाई, विलासराव देशमुख के घर पर अपने लोगों को भेजा, रालेगांव सिद्धि के जो कार्यकर्ता थे, और उन्होंने आकर के फिर एक चिट्ठी उठी का बीज बचाव करके अन्ना जी के। वो सही है, वो तो देश की जनता ने देखा था। जब रामलीला ग्राउंड में जिस तरीके से उसका खत्मा हुआ आंदोलन का, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जो मुहिम शुरू हुई थी उस मुहिम में जो लोग शामिल थे वे खुद उसी भ्रष्ट तरीकों में लिप्त हो गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, उसी तरह की चंदा उगाही, उसी तरह की डोनेशन, उसी तरह की फंडिंग वे भी लेने लगे जिस तरह की फंडिंग और डोनेशन लेके बाकी पार्टियां भ्रष्टाचार को परवान पर चढ़ाई हुई हैं। अब ये तो कोई जांच होगी तो पता लगेगा ज्यादा अच्छी तरह से। अभी तो नहीं, आपने भी तो जिक्र किया था जब फंडिंग की बात आई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, कि उसका मिस यूज था, कि जो 5 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पैसे थे उस अकाउंट को कंट्रोल कर रहे थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम पर अकाउंट खोला हुआ था। हम जैसे जो लोग काम कर रहे थे हमें भी पता नहीं था कि सारा पैसा जो जनता एक भावुकता और उसके साथ समर्पण भाव से दे रही है वो जा कहां रहा है। तो 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपया था जो बाद में जब वो आंदोलन को एक दरकिनार करके और पार्टी बना ली गई आम आदमी पार्टी, तो गया कहां वो पैसा? तो उस समय हमें पूरा ये संदेह हुआ कि सारा का सारा पैसा उसी अकाउंट में उन्हीं लोगों के द्वारा अपनी पार्टी को आगे चमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैंने आंदोलन में जो बिखराव आया, जो भटकाव आया,
उसके उसका एक प्रमुख कारण वही था, चंदा था, फंड था, जिसको लेकर बंदरबाट शुरू हुई। एक तो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो मंशा थी, और दूसरा जो आर्थिक मकसद था धन जुटाने का। नहीं, आर्थिक धन जुटाने का लोग स्वतः स्फूर्त भी दे रहे थे, बड़ा लोगों में जोश पैदा हुआ था, तो ये तो अच्छी बात थी। लेकिन वो जो जनशक्ति थी और उसमें से जो धन शक्ति भी निकल के आई, उसके ऊपर एकाधिकार करना, राजनीतिक शक्ति, हाँ, फिर उसमें से राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए। तो मैं अभी क्या बताऊं, देश की राजनीति में जो प्रयोग हुए, इस तरह का जो प्रयोग हुआ, उससे काफी कुछ लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी भी, और फिर उनको अब निराशा भी हो रही है। तो ये दोनों तरह की बातें, धाराएं चल रही हैं। स्वामी जी, इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है प्राकृतिक संसाधनों की लूट का, चाहे कोयला हो, स्पेस स्पेक्ट्रम की लूट हो, 2G हो, ये जितने बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हो रही है पिछले लगभग 2 वर्षों से, और चुनाव के दौरान भी हो रही है, इसमें आप किसको खास तौर पर जिम्मेदार मानते हैं? क्या इसके लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं, या राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, या सिस्टम जिम्मेदार है, या सब मिलजुल के इस लूट में शामिल हैं? देखिए कि ये लूट केवल भारत में नहीं हो रही है, पूरे आप मध्य अफ्रीका के तमाम, नाइजीरिया से लेके कांगो के और उनका देखें, और भी लैटिन अमेरिका के देशों का देखें, तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं और उन्होंने जो विकास का मॉडल बनाया है, वो इस खनिज संपदा के दोहन पर, इनकी लूट पर खड़ा हुआ है। और वो भारत में पूरी ताकत इसलिए लगाए हुए हैं कि जिसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, जो आदिवासी बहुल एरिया है, वहीं पर हमारे देश की सारी संपदा केंद्रित है। अब यदि वहां पर उस खनिज संपदा को निकाल करके कॉरपोरेट्स के हवाले करना और उसमें से GDP को 7% से 9% पहुंचाना, ये यदि एक लक्ष्य है हमारी सरकारों का, तो बाकी कानूनों को धता बता करके, और कानून कानून को नहीं, उन आदिवासियों को जो सदियों से वहां बसे हुए हैं, वो गरीब हैं बेशक, लेकिन सीधे साधे सरल लोग हैं, उनके पास भूमि का पट्टा भी वो इस तरीके से नहीं है जो एक कानूनी ढंग से होना चाहिए, लेकिन वास्तविक मालिक वो लोग हैं। अब उन लोगों को वहां से उजाड़ा जाए तो एक सलवा जुडुम पैदा किया जाएगा, उनको गांव के गांव खाली करा दिए जाएंगे लाखों लोगों को, और फिर पूरी ताकत लगा दी जाएगी पुलिस और ये सब लगा करके CRPF कि उनको हटा दिया जाए उनकी मिल्कियत से। अब वो अपनी रक्षा के लिए कुछ धनुष बाण उठाएं तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके लिए आगे आ जाते हैं माओवादी, आ जाते हैं नक्सलवादी, तो कहते हैं ये नक्सलवाद को मिटाना है, इस नाम से नक्सलवादी तो कम मरते हैं, वो गरीब आदिवासी ज्यादा। इस पर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस अपने इस स्टैंड को लेकर काफी विवादों में रहते हैं, और आप पर आरोप लगता है कि आप नक्सल परस्त हैं, आप उन नक्सलियों के हिमायती हैं, सिंपेथाइजर हैं, जो कि हजारों लाखों निर्दोष लोगों को कत्लेआम करते हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, और जिसमें कि सुरक्षा बल के जवान बड़ी तादाद में शामिल हैं, जिस रेड कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी बीच बीच में ये आरोप लगते हैं कि कुछ लोग जो कि नक्सलियों को सिविल लिबर्टीज के नाम पर, सिविल राइट के नाम पर उनके बचाव में आते हैं, उनके प्राकृतिक संपदा को बचाने के नाम पर आगे आते हैं, उन लोगों ने पहले नक्सल आंदोलन को बढ़ावा दिया, उसमें सरकारें भी शामिल थी, ये कॉरपोरेट घराने भी शामिल थे, आज भी तमाम कॉरपोरेट घरानों के अगर अकाउंट्स को ठीक से स्क्रूटनाइज किया जाए तो अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो फंडिंग हो रही है वो कॉरपोरेट घरानों की तरफ से भी जा रही है फंडिंग, बहुत बहुत बड़ी, उन नक्सली एक्टिविटीज में जो लोग शामिल हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ जैसे आप जैसे लोग जो एक्सट्रीम में जाके इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके बचाव में आप खड़े होते हैं, वे कॉरपोरेट घराने जो एक तरफ सरकार की मदद कर रहे हैं कि नेचुरल जो रिसोर्स है उस पर उनका एकाधिकार हो, और दूसरी तरफ नक्सलियों की भी मदद कर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं जिससे कि उस एरिया में इंसर्जेंसी बनी रहे और जो आम लोग हैं जो सिविल लाइफ है वो डिस्टर्ब रहे, तो कॉरपोरेट और नक्सलियों के बीच की जो साठ गांठ है उसका फायदा उठा के वो नेचुरल संपदा का दोहन भरपूर मात्रा में कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो नेक्सस ऐसा बना हुआ है कि नक्सली इधर एक तरफ कर रहे हैं आदिवासियों को कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तुम्हारे जल जमीन जंगल की,
कुछ हद तक कर भी रहे होंगे, लेकिन उनकी सांठगांठ उन बड़े बड़े कारपोरेट और लुटेरे परिवारों से है, उनसे लेन देन भी उनका सीधा चल रहा है। अब सरकार क्या कह रही है कि हम शांति लाने के लिए वहां और स्कूल अस्पताल खोलने के लिए हमें पुलिस और सीआरपी भेज के सफाई करनी है नक्सलवादियों से, इस नाम से वो आदिवासियों को मार रहे हैं, उनको निर्दोष लोगों को जेलों में सड़ा करके टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब काम एक तरफ हो रहा है। लेकिन आप उन नक्सलियों का क्यों मदद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं न नक्सलियों की मदद कर रहा हूं, न कॉरपोरेट्स की कर रहा हूं, न सरकार की कर रहा हूं। मेरा काम केवल इतना था, जब 76 हमारे जवान मारे गए तो उनकी निंदा करके, बाकायदे नक्सलियों की निंदा करके, और मैं अपने तमाम दोस्त मित्रों के साथ, जिसमें बड़े प्रबुद्ध गांधीवादी और बड़े वैज्ञानिक सब लोग, हम लोग रायपुर से दंतेवाड़ा यात्रा लेके गए। हमारा नारा यह था, गोली से नहीं बोली से। नक्सलियों को हम कह रहे थे कि तुम्हारी गोली से निर्दोष हमारे बेचारे गरीब किसानों के बेटे हैं, सीआरपीएफ के जवान, वो मारे जा रहे हैं। और सरकार से हम कह रहे हैं कि तुम इसके मुकाबले पर नक्सलियों को तो नहीं मार पा रहे, तुम जो मार रहे हो गरीब आदिवासियों को मार रहे हो, तो क्रॉस फायर में आदिवासी मारा जा रहा है। हमने कहा था ये गोलियों से बातचीत मत करो तुम लोग आपस में, बल्कि बातचीत के द्वारा, डायलॉग के द्वारा इस समस्या का समाधान करो। तब मुझे भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पत्र दे के कहा कि ये आपने जो कहा है हम आपको अधिकृत करते हैं, इंटरलॉक्यूटर बनाते हैं, आप एक काम कीजिए। और उस काम में मैंने जब सफलता ला करके 20 दिन के अंदर उनको दे दी कि नक्सलियों के जो सबसे प्रमुख बड़े नेता जो उनके प्रवक्ता थे उन्होंने दस्तखत करके पत्र भेज दिया मुझे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चिदम्बरम जी चाहते थे 72 घंटे के लिए अर्थात 3 दिन के लिए बंदूकें दोनों तरफ बंद हो जाएं। उन्होंने कहा 3 दिन नहीं, हम 3 महीने और 6 महीने के लिए तैयार हैं। अब ये पत्र जब मुझे, मैंने चिदम्बरम जी को दिया, मुझे उम्मीद थी कि वो आगे बढ़ करके कहते स्वामी जी आपने कमाल कर दिया, वो तैयार हैं तो आओ जल्दी करें। हम मैं उसी चिट्ठी को लेकर के, चिदम्बरम जी की चिट्ठी को लेकर तिहाड़ जेल दिल्ली में जो है वहां कुबाड़ गांधी जो नक्सली पॉलिट ब्यूरो के मेंबर जेल में, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी कहा ये बहुत बढ़िया है, बातचीत के द्वारा हल हो। मैं नारायण सन्याल जी से जाके रायपुर की सेंट्रल जेल में मिला, उन्होंने भी इसका स्वागत किया। तब मैं चाहता था कि बातचीत से यदि संभव हो जाए तो ये सारा ये जो अंदर का गठजोड़ है ये भी मीडिया के सामने साफ आ जाएगा, किस किस कारपोरेट घराने का नक्सलियों को मदद दी जा रही है छिपे तौर पर। तो मैंने जो डेडलॉक पैदा किया उसमें फिर एक बार सत्ता की साजिश, वो जो आजाद को मार डाला गया फेक एनकाउंटर में, वो बहुत बड़ा सेटबैक था। ये लोग नहीं चाहते थे, न सरकार न कारपोरेट हाउसेज नहीं चाहते थे कि ये बातचीत सफल हो, और उसको जो उनकी तरफ से तैयारी आई थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्वामी जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।